भारत की राजव्यवस्था में हम लोग आज बात करेंगे अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र यानी शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। दोस्तों संविधान के भाग में 10 अनुच्छेद 244 में कुछ ऐसे क्षेत्र में जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र नामित किया गया है, प्रशासन की विशेष व्यवस्था का परिकल्पना की गई है। संविधान की 5वीं अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम इन राज्यों को छोड़कर दूसरी ओर संविधान की 6वीं अनुसूची में 4 उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के प्रशासन के संबंध में उपबंध हैं। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन दूसरे राज्यों की तुलना में अनुसूचित क्षेत्रों के साथ भिन्न रूप में व्यवहार किया जाता है, क्योंकि वहाँ के आदिम निवासी रहते हैं, वे सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं और उनके उत्थान के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता होती है। अतः राज्यों में चलने वाले समान प्रशासनिक व्यवस्था अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होते और केंद्र सरकार की इन क्षेत्रों के प्रति अधिक जिम्मेदारी होती है। 5वीं अनुसूची में वर्णित प्रशासन की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा। राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाने या घटाने, सीमाओं के बदलने और इस तरह के नामों को बदलने करने का अधिकार है। राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल पर सलाह पर ऐसे क्षेत्रों के नाम को रद्द करने के लिए नया आदेश दे सकता है। दूसरा, केंद्र व राज्य की कार्यकारी शक्ति। राज्य की कार्यकारी शक्ति उनके राज्य के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों में भी लागू होती है। ऐसे क्षेत्रों के लिए राज्यपाल पर विशेष जिम्मेदारी होती है। राज्यपाल ऐसे क्षेत्र के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट देता है या जब राष्ट्रपति इन क्षेत्रों के बारे में जानना चाहे। ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्यों का निर्देश देना केंद्र की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत है। जनजातीय सलाहकार परिषद। ऐसे राज्य जिनके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र है वह जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है, जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण व उत्थान के लिए सलाह देती है। इसमें कुल 20 सदस्य होते हैं, जिसमें 3/4 सदस्य राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व होने चाहिए। इसी तरह से परिषद वैसे राज्यों में भी गठित की जाती है जहां अनुसूचित जनजातियों हैं तो हैं लेकिन अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। ऐसा राष्ट्रपति के निर्देश पर किया जाता है। अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी विशेष अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू न करे या कुछ परिवर्तन व अपवाद स्वरूप उसे लागू करे। राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों में शांति व अच्छी सरकार के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद व विचार विमर्श को नियमन बना सकता है। ऐसे विनियमन के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के सदस्य के बीच भूमि के हस्तांतरण को निषेध या सीमित किया जा सकता है। अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनके बीच के भूमि आवंटन को नियंत्रित किया जा सकता है और अनुसूचित जनजातियों को ही संदर्भ में साहूकारों के व्यवसाय को भी नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा इन नियमन में संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम जो अनुसूचित क्षेत्रों में लागू हैं को समाप्त या संशोधित किया जा सकता है, परंतु इस तरह की कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति को स्वीकृत आवश्यक है। राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। संविधान अपेक्षा करता है कि राष्ट्रपति राज्य के अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु एक आयोग गठित करे। वह इस तरह के आयोग की का गठन कभी भी कर सकता है, बशर्ते संविधान की शुरुआत को कम से कम 10 वर्ष हो गए हों। इस प्रकार आयोग का गठन 1960 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता यूएन गेबर ने की और 1961 में अपनी रिपोर्ट पेश की। करीब 4 दशक बाद दूसरे आयोग का गठन 2002 में दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में किया गया। इसने 2004 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन। संविधान की 6वीं अनुसूची में 4 उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा व और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में विशेष प्रावधानों का वर्णन है किया गया है। इन 4 राज्यों में विशेष व्यवस्था के निम्नलिखित कारण हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातियों इन राज्यों के अन्य लोगों के जीवनचर्या और में घुल मिल नहीं पाई है। ये क्षेत्र मानव विज्ञानी नमूने के तौर पर हैं। भारत के अन्य क्षेत्रों के जनजातीय लोगों ने अपने बीच के बहुसंख्यकों की संस्कृति को कम से या अधिक स्वीकार कर लिया है। दूसरी तरफ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लोग अभी तक अपनी संस्कृति और
रिवाजों और सभ्यता से जुड़े हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में संविधान द्वारा अलग स्थान दिया गया है और स्वशासन के लिए इन लोगों को पर्याप्त स्वायत्तता दी गई है। संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत प्रशासन की निम्नलिखित विशेषताएं। पहला, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी जिलों का गठन किया गया, लेकिन वे संबंधित राज्य के कार्यकारी प्राधिकरण के बाहर नहीं है। दूसरा, राज्यपाल को स्वशासी जिलों को स्थापित या पुनर्स्थापित करने का अधिकार है, अतः राज्यपाल इनके क्षेत्रों को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, नाम प्रवर्तित कर सकता है या सीमाएं निर्धारित कर सकता है। अगर स्वशासी जिले में विभिन्न जनजातियां हैं तो राज्यपाल जिले को विभिन्न स्वशासी प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं। चौथा, प्रत्येक स्वशासी जिले में एक जिला परिषद होगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिनमें राज्यपाल द्वारा सदस्य नामित 4 किए जाएंगे और शेष 26 सदस्य वैश्विक मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे। निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है। बशर्ते परिषद को पहले विघटित ना कर दिया जाए और मनोनीत सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्याप्त तक पद धारण करेंगे। प्रत्येक स्वशासी क्षेत्रों में अलग प्रादेशिक परिषद भी होते हैं। 5वां, जिला व प्रादेशिक परिषद को अपने अधीन क्षेत्रों के लिए विधि बनाने की शक्ति है। वे भूमि, वन, नहर या जल सरणी, पर्वतीय खेती, गांव प्रशासन, संपत्ति के विरासत, विवाह व विवाह विच्छेद, सामाजिक रूढ़ियां आदि विषयों पर विधि बना सकते हैं, लेकिन सभी विधियों के लिए राज्यपाल की स्वीकृति की भी आवश्यकता है। जिला व प्रादेशिक परिषद अपने अधीन क्षेत्रों में राज्य जनजातियों के आपसी मामलों के निपटारे के लिए ग्राम परिषद या न्यायालयों का गठन कर सकती है। वे अपील सुन सकती है। इन राज्य मामलों में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। जिला परिषद अपने जिले में प्राथमिक विद्यालयों, औषधालय, बाजारों, फेरी, मत्स्य क्षेत्रों, सड़कों आदि और को स्थापित कर सकती है या निर्माण कर सकती है। जिला परिषद साहूकारों पर नियंत्रण और गैर जनजातीय समुदाय के व्यापार पर विनियमन बना सकती है, लेकिन ऐसे विनियमन के लिए राज्यपाल को स्वीकृति आवश्यक है। जिला व प्रादेशिक परिषद को भू राजस्व का आकलन व संग्रहण करने का अधिकार है। वह कुछ विनिदर्शक कर भी लगा सकते हैं। संसद या राज्य विधानमंडल का अधिनियम स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश में लागू नहीं होता है, और अगर होता है तो अपवादों या कुछ फेरबदल के साथ लागू होता है। राज्यपाल स्वशासी जिलों या परिषदों के प्रशासन की जांच और रिपोर्ट देने के लिए आयोग गठित कर सकता है। राज्यपाल आयोग की सिफारिश पर जिला या प्रादेशिक परिषदों को विघटित कर सकता है। Thanks for watching.